So, ladies and gentlemen, your सलमान खान इज बैक विद ए सीक्वल। होता है ना, जब सलमान खान की मूवी हिट होती है तो भाई उसको तो बुलाना पड़ता है सीक्वल के लिए। तो हमने भी कहा कि भाई अपने सलमान खान को बुलाएं फिर से। अरे सलमान, एक्चुअली सलमान खान का भी मार्स एक्सॉल्टेड है ना, तो इट्स लाइक एंग्री मैन, लोग डरते हैं हाँ उसको। तो किसी किसी को जब मुझसे डांट पड़ जाती है यूट्यूब पे भी, तो वो कहता है यू आर नॉट हम्बल, है ना। बाकी लोगों को मैं हम्बल अरे लगता हूँ। अरे वैसे हीरो से कम नहीं है तू। तो मेरी पिक्चर्स देख रखी है, मैंने कहा ये तो अक्षय कुमार है शायद। तो चलिए, थैंक यू सो मच बताइए सर, भाई, थैंक यू आज सो आप क्या सिखाएंगे हमको? मच। भृगुनंदिनी नाड़ी आपने स्टार्ट किया है, बट उससे हाँ पहले मैं थैंक्स कहना चाहूंगा आपको, और आपने मौका दिया था और काफी अच्छा रिस्पॉन्स आया। और उसके बाद तो मेरे ऑफिस में मतलब कॉल्स लगभग एक दिन में शायद 2000 कॉल या मैसेज आया था अरे मुझे। मैं तो ये चाहता हूं कि तेरे तुम्हारे जैसे इंसान के पास तो 5-10 करोड़ होने चाहिए लोग। मैं तो ये कह रहा, अरे हमारे जैसे अरे गहरे तो आते जाते रहते हैं, हीरा तो उसको मिलता है ना। नहीं, अरे हमारे एक भृगुनंदिनी नाड़ी के मतलब मैं उनको फॉलो करता था, तो अच्छा उनका नाम था एस रविशंकरन, अच्छा सिद्ध योगी रविशंकरन। तो उन्होंने किताबें लिखी बट आई थिंक वो साउथ की लैंग्वेज में है। तो उन्होंने एग्जाम्पल दिया था कि ज्योतिष में ना दो तरह के ज्योतिष होते हैं, एक जुपिटर राहु और एक होता है जुपिटर केतु वाला। तो अच्छा कहते हैं जो जुपिटर केतु वाला है ना, तो वो क्या करता है कि केतु डिस्चार्ज करता है, बोले डिस्चार्ज करता है, और तो वो कुछ मतलब वो देना चाहता है, वो रिलीफ देना चाहता है। उसके बाद जो भी होगा वो त्याग होगा, वो केतु ग्रेटिट्यूड है ना, तो ग्रेटिट्यूड देता है, बोले वो जिससे सीखा होगा, जिसको फॉलो करता होगा, जिन किताबों से पढ़ेगा, जिस सिस्टम को करेगा, तो उसको ग्रेटिट्यूड देगा वो। तो जब आपने पिछली बार भी कहा और इस बार भी कहा कि भृगुनंदी नाड़ी है, हेमराज है, ऐसा है, तो वो जुपिटर केतु वाला क्वालिटी आ गया। हाँ लेकिन यहाँ पे बहुत सारे ऐसे भी हैं जो जुपिटर राहु, तो उन्होंने कहा जुपिटर राहु वाला, क्योंकि राहु स्वेलो करता है ना, राहु ग्रेस्प करता है, हाँ राहु स्वेलो करता है, तो वो क्या करते हैं, वो पुराने सिस्टम को नया नाम देते हैं। भृगुनंदी नाड़ी में भी बहुत किया लोगों ने, इंग्लिश में उन्होंने किताबें लिखी थी, हिंदी में कन्वर्ट किया, नए नाम से छापा, कोई विष्णु भाव कहता है, कोई अलाइनमेंट कहता है, अपनी हाफ बेक नॉलेज है वो सबकी। तो कहते हैं हाँ जुपिटर राहु वाला वो ग्रैब करना जानते हैं, वो क्रेडिट देना नहीं जानते, वो किसी को देंगे नहीं कभी कि किससे हाँ सीखा, कहाँ सीखा, बताएंगे नहीं लोगों को, वही और उनके तो, चेलों को लगता है कि हमारे गुरु जी का रिसर्च है, लेकिन अपने वो केतु सिस्टम को दैट वो झुका नहीं रहे हैं। ये है ना भाई, इज झुकना बिल्कुल पड़ता है ज्योतिष के आगे, तो सबको झुकना पड़ता है, चाहे तुम कोई भी हो, हमसे लेकर हम आप पराशर तक सबको झुकना पड़ता है, हम तो कुछ भी बिल्कुल नहीं। बहुत नहीं, ये चीज आपसे सीखने वाली पर है। हाँ, लेकिन भृगुनंदी नाड़ी का जो असली जो टेस्ट आया ना, पहली बार मैंने देखे थे, पहले भी वीडियो सुना था नाम, इंटरेस्ट कभी नहीं आया, पर जब वीडियो देखे ना तुम्हारे भृगु नंदी नाड़ी पे, फिर मुझे लगा ओ ये चीज है। तो इसने जी जो जिस ढंग से सिखाया ना, वो एकदम ही अलग ढंग है इसमें, एकदम एक मिनट के अंदर अंदर पता लग गया कि कुछ है स्पेशल। वैसे सब जी बोलते हैं, सब एक्चुअली बोल रहे थे, क्या पर उसमें एक अलग ढंग आ गया। जी एक्चुअली जो भृगुनंदी नाड़ी है ना, उसमें क्या है कि लोगों को लगता है, अभी क्या है आप देखेंगे, हर हर सभी भृगुनंदी नाड़ी का, जब मैं पहली बार अपने YouTube चैनल पे आया था, मैंने फर्स्ट वीडियो बनाया था, तो हाँ भृगुनंदी नाड़ी से ही शुरुआत किया था मैंने, वो ट्रांजिट पे अच्छा बनाया था, वो ट्राइन कनेक्शन नेटल प्लैनेट्स के ऊपर कैसे जाता है। हाँ उस समय जब लोगों ने देखा तो उस समय भी बड़ा एकदम एकदम फ्लो मेरे पास आया था लोगों का। लेकिन लोगों को क्या लग रहा है ना कि ट्राइन कनेक्शन देखा और ग्रह कारक तो ऐड किया, हो गया भृगुनंदी नाड़ी, हाँ ऐसा लोगों को लगता है। बट यहाँ पे मैं अगर कहूँ ना कि ट्राइन के अलावा केंद्र भी देखे जाते हैं भृगुनंदी नाड़ी में, कि वो किस भाव से किस केंद्र में है, बट वो एक डिफरेंट एडवांस कॉन्सेप्ट हो जाता है। लोग कहेंगे अरे ट्राइन भी देखना है, आगे भी देखना है, पीछे भी देखना है, केंद्र भी हाँ देखना है, तो सब जुड़ गया। या बट क्या है भृगुनंदी नाड़ी, हम बात कर रहे हैं आज उसी पे, तो उसी पे हम बात करेंगे कि वो कर्म और कर्म फल की बात करता है। वो हाँ कहता है कि आप ज्योतिष कहता है, मेरे ख्याल भृगुनंदी नाड़ी ही नहीं कहता, वो ज्योतिष कहता है कि कोई पर्सन क्या मैनिफेस्ट करने वाला है, व्हाट हाउ एंड व्हेन ही इज गोइंग टू मैनिफेस्ट द थिंग्स, दैट इज ज्योतिष।
तो भृगुनंदी नाड़ी इसी पे काम करता है कि जीव क्या मैनिफेस्ट करेगा, कब करेगा, कहाँ करेगा। भाई मैं शिमला से दिल्ली जा रहा हूँ और एक्सीडेंट होने वाला है, मुझे पहले देखा मैंने, लेकिन कब होने वाला है। मैं निकला तो हूँ, शिमला से निकला तो हूँ, कहाँ होगा, 10 किलोमीटर पे होगा, 20 में होगा, पता चला वो चंडीगढ़ में जाके होगा। तो दैट इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ एन इवेंट एट अ पर्टिकुलर टाइम। टाइम इसीलिए हम कहते हैं कि हम पर्टिकुलर स्पेस एंड टाइम में पैदा हुए, तो उसी हिसाब से मैनिफेस्टेशन होता है, और हर सेकंड इवेंट होता है। व्हाट इज टाइम? टाइम इज अ सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स ना, कि मतलब वो हर, अभी भी एक इवेंट हो रहा है, मैं बोल रहा हूँ, कान पे हाथ लगा रहा हूँ, तो इवेंट हो रहा है, सांस ले रहा हूँ, इवेंट हो रहा है। तो भृगु नंदी नाड़ी में लगन का इस्तेमाल है, भाव का इस्तेमाल है, और नवांश का भी इस्तेमाल है। जो लोगों को लगता है कि जुपिटर को हम केंद्र लग्न बनाएंगे, अरे जुपिटर 1 साल तक एक राशि में रहता है, सबका लगन से है ना, जुपिटर जेमिनाई, जुपिटर जेमिनाई, जुपिटर हाँ, वो नहीं तो है। पूरे साल तक रहेगा जेमिनाई में, कैंसर में। वो ठीक कि आप जुपिटर जो जीव कारक के ऊपर जिस प्लेनेट का इन्फ्लुएंस आएगा उस पे हम देखते हैं, उसकी पर्सनालिटी के बारे में जानते हैं, है ना। इवन दो आप देखिए इसको भाव के साथ कैसे कनेक्ट कर, जुपिटर के साथ जीव जैसा एनर्जी लेके पैदा हो, मान लीजिए जुपिटर किसी का मरकरी के साथ, हम कार्य तत्व तो डिस्कस करते हैं और उसके साथ साथ ब्लेंड वो सब करना और वो चीजें, और थोड़ा सा डायनेमिक पार्ट ऑफ द ज्योतिष, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लोगों को पता लगना चाहिए कि इवेंट कैसे होता है, मतलब इवन द सिंगल इवेंट, जैसे आप कहते हैं कि मैंने शुक्र का मंत्र किया, तो मैं उल्टा कहता हूँ कि शुक्र एक्टिवेट हो रखा था ट्रांजिट और प्रोग्रेशन के हिसाब से, तो वो शुक्र वाली चीजें उन्होंने की और वो वही फील से हुआ हुआ, उसके हिसाब या से। कोई रीजन होगा वहां ऊपर कि जहां नीचे हो रहा है मेरे साथ, बिल्कुल, यूनिवर्स में एनर्जी शिफ्ट होता है, आपके चार्ट के से सिंक्रोनाइज करता है, तो चीजें होती है। मैं उल्टा कहता हूँ थोड़ा सा, तो वो डायनेमिक पार्ट ऑफ ज्योतिष, स्टैटिक हो गया कि जो आप पैदा ले, जो लेकर के आप पैदा हो। और तुम्हारी एक तो बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक भी थी, मैं जानना चाहती हूँ भृगु नंदी नाडी है कौन सी। जब तुमने कहा था कि जैसे एक ही ग्रह के साइन में अगर प्लैनेट्स हो तो वो एक दूसरे से संबंध बना लेते हैं, जैसे शनि हुआ स्कॉर्पियो में, वीनस हुई एरीज में, तो उन दोनों जी का संबंध बन गया। और बिल्कुल ये मैंने जब टेक्निक यूज करी, जी ब्यूटिफुल टेक्निक, कि क्यों डिले हुआ, क्यों इस तरह से एक्चुअली मैकेनिकल प्रॉब्लम्स आ रही है कार में, जब दैट शनि इज अ उस टू साइन, या दैट इज अ टू साइन थ्योरी, कि अगर धनुराशि में कोई प्लैनेट बैठा है, मीन में कोई प्लैनेट बैठे हैं, तो ट्रीट इट लाइक कंजंक्शन, हाँ, इस लाइक कि वो एक दूसरे की एनर्जी को एनर्जी भिड़ाते हैं। को साथ लेकर चल रहे हैं। बहुत बढ़िया था। बिल्कुल, इसीलिए सैटर्न धनुराशि में हो किसी का, और किसी और पर्सन का सैटर्न धनुराशि में हो और मंगल मीन में बैठा हो, मार्स इन पाइसिस, सो दोनों के सैटर्न में डिफरेंस है, सैटर्न की एनर्जी में डिफरेंस है, एक एक के अंदर मंगल का गुण आ जाएगा, क्योंकि वो सेम साइन थ्योरी हो गया वो। तो मैंने क्या किया था, मैंने भृगु नंदी नाड़ी और वैदिक को मैंने ब्लेंड किया था, ये जो टाइम है ये कार्यक्रम बहुत पुरानी बातें हो गई, उसके बाद आरजी राव साहब के बाद भी बहुत सारे लोगों ने काम किया, उसमें से एक एल निगेधी करके कोई है, शायद गुजरात में है, या उन्होंने बहुत काम किया, इज अ लाइक इज अ मास्टर आफ्टर आरजी राव साहब, इज अ मास्टर ऑफ भृगुनंदी नाड़ी, उनका बहुत अच्छी किताब बुक्स भी हैं, आई थिंक आप देखिएगा। तो भृगुनंदी नाड़ी में लगन इस्तेमाल करना पड़ेगा, भाव इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब इसमें भाव कैसे इस्तेमाल होता है, जैसे जुपिटर की बात हो रही थी, चलिए हम उसको पहले कंप्लीट कर लेते हैं, उसमें एक टेक्निक भी है कि आप कैसा एनर्जी अट्रैक्ट करोगे। अरे जीव जिस एनर्जी के साथ पैदा हुआ ना, वो ही अट्रैक्ट करेगा, लोग कहते हैं ना कि मुझे ऐसा मिला। तो हम देखते हैं कि जुपिटर, और दूसरा एक और चीज, ट्राइन से ज्यादा अगर किसी प्लेनेट के नेक्स्ट हाउस में कोई प्लेनेट बैठा है, तो हम उसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं, स्पेशली अगर वो वक्री हो गया, स्पेशली अगर वो राहु हो गया, केतु हो गया, क्योंकि पीछे की तरफ आते हैं, ट्राइन से ज्यादा, त्रिकोण से ज्यादा, हम कहते हैं ना कि यहाँ कोई प्लैनेट बैठा, यहाँ कोई प्लैनेट बैठा, तो उसको ब्लाइंड कर दिया जाए, लेकिन अगर यहाँ बैठ जाएगा ना, तो उस दो प्लैनेट का एनर्जी सबसे ज्यादा रहेगा, उसका प्लैनेट सबसे ज्यादा, उसको इसका लेना है मतलब हमें। जैसे राहु जो है सेकंड हाउस में हुआ, जुपिटर फर्स्ट हाउस में है और राहु उसकी तरफ ही जा रहा है रेट्रोग्रेड, तो वो एकदम कंजंक्शन ही हो गया। बिल्कुल, ट्राइन में कुछ भी बैठा हो जुपिटर के, उसको हम थोड़े टाइम के लिए एक लेस सिग्निफिकेशन में ला सकते हैं, और जो नेक्स्ट वाला प्लेनेट है उस, और नेक्स्ट हाउस में जो कंजंक्शन बना होगा, उसके हिसाब से हम ज्यादा प्रेडिक्ट करते हैं।
तो जीव की तरफ क्या एनर्जी आ रही है, जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में जो ग्रह बैठा है वो इंडिकेट करता है कि जीव की तरफ क्या एनर्जी आ रही है। जुपिटर जिस ग्रह को फॉलो करे, बृहस्पति, कि मान लीजिए बृहस्पति यहाँ बैठा है 8 डिग्री का, मरकरी यहाँ 9 डिग्री का बैठा है, तो बृहस्पति मरकरी की तरफ जा रहा है, तो इट मीन्स द जीवा जो अट्रैक्ट करेगा एनर्जी की वो मरकरी की करेगा, यानी कि उसके जीवन में मरकरी जिसका लग्न में हो, या चंद्र लग्न उसका मरकरी के साइन में पड़ता है, या उसका लग्न ही मरकरी हो, वो लोगों अट्रैक्ट करेगा वो एनर्जी। अगर वो मरकरी अच्छा हुआ तो ये जितने भी मरकरी एनर्जी वाले लोग होंगे हाँ वो उसके लिए बड़ा बेनिफिट देंगे। इसीलिए देखिए जुपिटर को ना, जीव को हमेशा केतु ही चाहिए था। आप देखिए हम सब जीवों का, यानी कि हम ह्यूमन बींग का एक सच्चा वफादार साथी कौन है? डॉग, कुत्ता, डॉग या दैट इज केतु। मेरे पास तो 6 तो हैं दैट इज जुपिटर केतु ना। या उसको हमेशा केतु चाहिए था, जुपिटर को हमेशा, जीव को हमेशा केतु चाहिए। तो मोस्ट लॉयल पीपल वो होते हैं जिनका केतु आपके जुपिटर के ट्राइन में पड़ेगा, वो आपके लिए होते हैं। या अगर आप लकी हैं, आपका जुपिटर केतु की तरफ बढ़ रहा है, मान लीजिए जुपिटर यहाँ बैठा कहीं पर भी, और केतु उसके नेक्स्ट हाउस में बैठा, या जुपिटर केतु का ट्राइन कनेक्शन है, तो केतु धनु राशि में हो जिसका, या केतु लगन में हो, या केतु जिसका चंद्र लगन में हो, वो लोग आपके जीवन को ट्रांसफॉर्म करेंगे, वो आपके जीवन का एक मोटिवेशन बन सकते हैं, एंड दे आर अच्छा द मोस्ट लॉयल। हाँ, वो वफादार लोग होंगे। अगर आपको रखना है ना कि किसको वफादार रखें हम लोग, और आप वैसे ही लोगों को अट्रैक्ट करेंगे। जुपिटर अगर केतु के साथ है तो केतु की एनर्जी को अट्रैक्ट करेंगे आप, सामने वाला बंदा भी केतु की एनर्जी वाला ही होगा अट्रैक्ट। जुपिटर राहु के साथ इसीलिए नहीं चाहिए, इसीलिए हाँ लोगों को खराब गुरु मिल जाते हैं, वो भ्रमित रहते हैं। राहु जुपिटर, जुपिटर राहु के साथ हो या उनकी तरफ बढ़ रहा हो, ट्राइन में हो, कहते हैं कि ऐसे लोगों का जो बस, जुपिटर द जीवा इज कॉन्शियस सेल्फ, कॉन्शियस सेल्फ, आदमी कितना कॉन्शियस है, तो कहते हैं कि उसका जब राहु उस पे आ गया ना, तो वो समझने और जजमेंट पावर नहीं होता, वो वीक होने लगता है फिर। हालांकि जुपिटर राहु कॉम्बिनेशन हम कहते हैं राजयोग भी होता है आज के टाइम पे, हाँ वो एक सैटर्न जब उसके ट्राइन में जाएगा गोचर करता हुआ, तो लाइफ में एक बार बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी जरूर देगा। अच्छा जुपिटर राहु की युति हो किसी की, हाँ सैटर्न उसके प्राइम में चला गया, एक बार ट्रांजिट करता हुआ जरूर उसको बड़ा अपॉर्चुनिटी देगा, मतलब नया अपॉर्चुनिटी देगा। ओके वो एक अनदर अलग चीज है, हम उसको भी अभी डिस्कस थोड़ा सा करें, कारकत्व अच्छा को ब्लेंड करना। जी, तो इसीलिए हम कहते हैं कि जीव को राहु नहीं चाहिए, माया नहीं चाहिए, जीव को मुक्ति चाहिए, केतु चाहिए। तो वो लोग कंप्लेन करते हैं कि राहु लगन वाला अट्रैक्ट हो गया, है ना? जैसे मेरी वाइफ के जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राहु है, तो मैं राहु लगन में लेके उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ, मेरी तरफ अट्रैक्ट हो गई, तो हाँ भैया वो कंप्लेंट करें कि यार कैसे मिल गया, क्या मिल गया, भाई तुम्हारा जैसा एनर्जी तो तुम्हें वैसा ही मिलना है, या सीधी तो सी ये चीजें बात है। ऑटोमेटिक होती हैं, मतलब तुम कुछ नहीं कर सकते। तो मतलब जो भी अलाइनमेंट का तुम एक्चुअली बता रहे देखो, थे कि अलाइनमेंट कर लो, ये कर लो, वो तो ऑटोमेटिक हो रहा है, तुम कुछ कर ही नहीं रहे, मतलब कि हाँ वो जो ऑटोमेटिक होता है, या हाँ वो ऑटोमेटिक होता है। अब मैं तो कह दूं जुपिटर राहु वाले की फौरन चला जा, जा पाएगा क्या वो? बहुत सारे जुपिटर राहु गांव में बैठे हैं, घर में हाँ सब नहीं जा सकते। नहीं सजेशन, कारक को ब्लेंड करना, सजेशन देना, इट्स सुपर इजी, सुपर इजी वेरी वो इजी जो। तो एक्चुअली क्या होता है ना, इस यहाँ पे मैं एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करना चाहता हूँ। लोगों को क्या लगता है कि दिस इज द डेस्टिनी चार्ट, ये उनकी किस्मत है, तो वो क्या करते हैं, वो इसके अंदर बदलाव लाना चाहते हैं, जबकि ये कुछ नहीं है, ये उन्हीं का रूप है, उन्हीं का रिफ्लेक्शन है। उनको ये लगता है कि हमारा चार्ट हमें चला रहा है, एक्चुअली हमें हाँ लगता भी ऐसा ही है ना, यूनिवर्स में एनर्जी बदल रही है, बट हम हाँ ये देखें कि वी ऑल आर ट्रेवलिंग इन वी ऑल आर ट्रेवलिंग इन ए टाइम, टाइम में, या समय में ट्रेवल कर रहे हैं अभी। हाँ तो ज्योतिष के जो वो एनर्जी है, जो हमारा सूर्य के चारों तरफ ग्रह घूम रहे हैं और वो सारी चीजें हैं हमारा, वो एक्चुअली टाइम को ही दिखाते हैं। ज्योतिष के थ्रू हम टाइम को पकड़ सकते हैं, मतलब हम पहले जान सकते हैं किसी चीज हाँ को। तो हमें ऐसा लगता है कि हमें चार्ट चला रहा है, एक्चुअली हमें चार्ट नहीं चला रहा होता है, हमारे रोज हर सेकेंड एक इवेंट घट रहा है। बातें हम कुछ को नोटिस करते हैं, कुछ को नोटिस नहीं करते हैं, तो चेंज तो वो यूनिवर्स में हो रहा है और हम उसमें ऐड होते हैं, हम इन्वॉल्व होते हैं उसमें। हाँ मैंने कल ही अनाउंस किया कि आई एम राइटिंग ए बुक, बुक ऑफ प्रेडिक्शन, ठीक है, तो मैं वो लिख रहा हूं। तो मैंने, तो अच्छा अरे ऐसी ऐसी वो थॉट आया, तुम्हें तो भृगु लेकिन जब नंदी मैंने नाड़ी पढ़, पे बुक लिखनी चाहिए।
मैं भृगुनंदिनी नाड़ी और वैदिक को ब्लेंड करके करके अच्छा डायनेमिक, हाँ क्योंकि वो इजी रहेगा और बहुत सारे लोगों को या ठीक समझ में आएगा। तो है उस मैंने जब देखा कि मेरा ऐसा थॉट क्यों आ रहा है, तो मैंने देखा वो चार्ट के अंदर कॉम्बिनेशन बना हुआ है उस समय पे एज पर भृगुनंदिनी नाड़ी और ऐसे। वो मैं थोड़ा सा बताऊंगा अभी, केतु मरकरी बन गया, बाय राइटर का कॉम्बिनेशन होता है केतु मरकरी, केतु इज द निब, मरकरी इज द हैंड, ये तो केतु वो पेन मरकरी। हो गया ना लंबा सा, तो वो उसमें हाँ तुम देख सकते हो कि मरकरी, वो मरकरी लिखेगा। और वैसे वैदिक में मार्स को इंक का कार्य का दिया हुआ है, मार्स इंक जी होती है, तो मार्स मरकरी भी एक टेक्निकल राइटर बना सकता है। ये बिल्कुल राइटर होते हैं, या बिल्कुल होते हैं, क्योंकि वो देखेंगे ना उसको हम कालपुरुष कुंडली के हिसाब से समझे ना, कि मार्स एरीज का लॉर्ड है, मरकरी थर्ड का लॉर्ड है, जिसका लग्न प्लस थर्ड लॉर्ड, यस और लग्न और थर्ड लॉर्ड तो बनाता ही है राइटर और कम्युनिकेटर, वो सब या मार्केटिंग और सब। या तो वो भी एक कंजंक्शन को रीड करने का एक तरीका है, जैसे हम ये कहें कि सैटर्न बैठा एरीज में, जैसे नाड़ी में कहते हैं कि कालपुरुष कुंडली में फर्स्ट हाउस एरीज है, हाँ तो सैटर्न द कर्म एरीज में बैठा, तो हम इसको कहते हैं कि 10th लॉर्ड एरीज में बैठा, ऐसे देखो। लेकिन अगर मुझे वो तो कालपुरुष कुंडली है, अब मुझे भाव कुंडली ऐड करनी है, तो उसी से हम निकालते हैं कि सैटर्न इन द फर्स्ट हाउस, इट्स लाइक 10th लॉर्ड इन द फर्स्ट हाउस, सैटर्न इन टॉरस एंड सैटर्न इन द सेकेंड हाउस, सेम चीज है, मतलब सेम चीजें प्रिडिक्ट की जा ओके सकती है। अब भृगुनंदिनी नाड़ी और लाल किताब की एक सिमिलैरिटी है, अच्छा हाँ उसकी भी एक सिमिलैरिटी है, वो क्या करती है, सन मार्स है लग, कारक है लग्न का, तो उसमें जो प्लैनेट बैठेगा उसके कारक को ब्लेंड करेगा, हाँ, क्योंकि वो भी लाल ब्लेंड होती किताब है। में तो वो सिर्फ एरीज लगना कर लेते हैं। मेरे चाचा लाल किताब जी के एस्ट्रोलॉजर हैं पिछले 45 ईयर्स से, अब तो बहुत ओल्ड हो गए हैं, पर या उन्हीं से मैंने सबसे पहले लाल किताब का ही स्टार्ट किया था उनके साथ। अच्छा, अरे वाह या अरे वाह अरे तो जैसा हम एनर्जी जुपिटर के साथ रहता है वैसा आता है, हाँ ये एक टेक्निक है। इवन दो इसको अगर आप न्यूमरोलॉजी में लेके जाएं, जैसे जुपिटर केतु है तो 7 नंबर है ना, 7 तारीख, 7th मंथ, हाँ 7th, 7 इज द वीक, उनको लगेगा 7th पे ही हो रहा है। अब जो अब क्या है कि जुपिटर के साथ बहुत सारे प्लैनेट भी हो सकते हैं, एज पर भृगुनंदिनी नाड़ी बहुत सारे प्लैनेट हो सकते हैं, तो उसमें जो सबसे ज्यादा क्लोज डिग्री का रहेगा, सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस रहेगा, वो उस पे ज्यादा सबसे ज्यादा प्रभाव डालेगा, यानी कि वो जीव को हर जगह प्रभाव डालेगा, उसके करियर में भी डालेगा, उसकी पर्सनैलिटी में भी डालेगा, हर जगह डालेगा। तो जुपिटर के साथ जो ग्रह बैठा वो उस तरीके का एनर्जी है, तो जुपिटर राहु वाला जो एस्ट्रोलॉजर होता है वो अच्छा नहीं मानते, जुपिटर अच्छा केतु है जैसे मेरा है, तो वो दाढ़ी है तो अच्छा लगता है, लाइक मतलब वो बियर्ड है ना, केतु इज द हाँ बियर्ड, या केतु बियर्ड, हाँ तो वो ज्यादा सूट करेगा उसको, तो अगर बियर्ड जुपिटर तुमने केतु वाला। ग्रो करी तो तुम्हारा केतु फिर एक्टिवेट होगा ना, ऐसा होगा हाँ ना। मतलब वो उसकी वो नहीं, ऑलरेडी जीव को इफेक्ट करोगा। इवन दो आप देखिए राहुल गांधी का जुपिटर लिब्रा में है, ठीक है ना, राइट नाउ केतु इज ट्रांसिटिंग ओवर लग्ना ओवर इज जुपिटर, And he has a beard now. दाढ़ी बढ़ा लिया, Yeah. हाँ वो साधु टाइप बन गया ना वो, और जोड़ने का काम कर रहा है। केतु का काम सिर्फ तोड़ने का ही नहीं होता है, लोगों को ये मिसकंसेप्शन है, केतु के जो कारक है ना, केतु रोप भी है, रोप रस्सी भी तोड़ती है, भी नहीं वो जोड़ती भी है ना, देखो है। हाँ केतु डिटैचमेंट भी है और केतु जोड़ने का, इसलिए केतु पुल भी है ना, केतु लैडर भी है, सीढ़ी, हाँ तो वो डिफरेंट तरीके से कारक तो ब्लेंड होते हैं। तो हम कहते हैं कि जब केतु मंगल के ऊपर से जाए या जुपिटर केतु के ऊपर से जाए, तो थ्रेड सेरेमनी होता है घर के अंदर, थर्ड थ्रेड सेरेमनी किसी सेरेमनी, भी तरीके का, अच्छा थ्रेड 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 लाइक सेरेमनी, अच्छा अच्छा जनेऊ या शादी होना, वो जो अच्छा 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 बांधते हैं अच्छा वो अच्छा समझ गया। या वर और वधु को बांधते हैं, या लाइक मतलब, और बहुत बार आप देखते हैं जब आपका केतु एक्टिव होता है तो किसी ना किसी का घर में बच्चा पैदा होता है, या बहुत सारे लोगों का जिनका चाइल्ड बर्थ होता है ना, तो केतु जुपिटर के ऊपर से या जुपिटर केतु के ट्राइन में भी, ऊपर से का मतलब समझ जाइए कि अगर केतु यहां पर भी है और यहाँ पे जुपिटर है ना, मान लीजिए आपका जुपिटर यहाँ पे है और केतु हाँ यहाँ पे गोचर किया, यहाँ यहाँ पे, तो ये इज अ वन इज अ केतु ओवर जुपिटर, ओके और मान लीजिए आपका केतु कहीं भी बैठा हुआ है, मान लीजिए मैं थोड़ा सा लिखूं क्या, हाँ लिखो।
मान लीजिए ऐसे नहीं, मान लीजिए किसी का केतु यहीं पे है और हाँ जुपिटर यहां से चला जाए ऐसे हाँ गोचर करता हुआ, इससे जुपिटर केतु कॉम्बिनेशन, टेम्पररी कॉम्बिनेशन, डिटैचमेंट देता है, मुक्ति चाहता है आदमी, और उसको रियलाइजेशन होता है, बहुत सारी चीजों का रियलाइजेशन होता है लाइफ। जब बच्चा पैदा होता है ना तो हमें बहुत सारी चीजें रियलाइज होती है, हम कहते हैं केतु इज अ बाल कारक, छोटा स्मॉल सूक्ष्म इसको हम कहते हैं। तो बहुत सारे लोगों के घर में बच्चा पैदा होता है जब ऐसे कॉम्बिनेशन बनता है ट्रांजिट केतु, वो जैसे आपका ये जो कुर्सी है ना, जैसे आप ये आगे पीछे कर रहे हाँ हैं बैठे, केतु ये झूलना जो थोड़ा सा रहता अच्छा है केतु, हाँ उसको केतु रिप्रेजेंट करता है, इसलिए जुपिटर केतु वो मून केतु वो केतु लग्न में हो उनको ऐसा वो थोड़ा सा ऐसी कुर्सी लेते हैं ना, वो थोड़ा सा लेटते हैं और फिर वो ऐसे ऐसे झूलते रहते हैं हाँ लाइक, या तो वो इंट्यूशन देता है एक्चुअली उनको, अगर वो बैठे हैं ना उसमें बहुत देर और या मेडिटेशन करें तो उसको बहुत इंट्यूशन देता है, उसमें बड़े थॉट्स आते हैं उनको बैठ के। ना या वेरी बहुत सही कहा या तो हर आपको बताऊं जो केतु है ना वो ऊपर जाती हुई चीज है, जो आपका एरोप्लेन भी है ना वो भी ऐसे ऐसे करता है, ऐसे हाँ ऊपर है वो थोड़ा ट्राइंगल भी है उसमें लाइक ऐसे, सो और दैट इज लंबा भी एक आल्सो, लंबी ट्यूब है वो हाँ दैट या इज आल्सो केतु, हालांकि वो शुक्र भी है लेकिन जो ऊपर जाती हुई चीज है कोई भी, जैसे पतंग हो गया दैट हाँ इज केतु, दैट अच्छा इज केतु। और जो आपका हम कहते हैं दुपट्टा है, इस लड़की का स्त्री का फीमेल का दुपट्टा है, दैट इज आल्सो केतु रहता है, या तो इसलिए जब होता है ना कि गला घूम घूम के मार दिया या गला तब चोक हो गया था जीप एक्सीडेंट हो गया था, फांसी हो ये गई चार्ट केतु मरकरी पाया होता है, या हाँ फांसी होगी दैट इज या केतु और और मैंने ये भी सब। देखा है, मैं जब तो झूलता हूं ना, और मैं सिगार का फैन हूं, तो जब मैं सिगार पीता हूं और जब झूलता हूं, एकदम आइडियाज और कॉन्सेप्ट्स आने लगते हैं ब्रेन में। अब इसमें एक चीज है, केतु हर वो चीज है जहां से आपका डिटॉक्सिफिकेशन होता है, एग्जिट होता है, अच्छा जैसे पतली पानी वहां से पानी जाता है आपका है ना, तो वो केतु है, आपकी बॉडी का जो रेक्टम है दैट इज अ केतु है ना, वो एग्जिट राहु एंटर है दैट इज माउथ दैट इज ओपनिंग दैट इज ये आपका जो लिप्स है, और हाँ केतु आपका आपका वो एग्जिट है ठीक है, तो केतु हर उस चीज को रिप्रेजेंट करता है जो एग्जिट है, जो प्योरिफिकेशन, जिसकी वजह से हम रिलैक्स फील करते हैं, रिलीज करने के बाद रिलैक्स फील करते हैं, अच्छा इसीलिए केतु साइलेंसर भी है गाड़ी का, और साइलेंसर से क्या निकलता है धुआं, दैट इज राहु, तो केतु कुछ नहीं है, राहु की जो गंदगी है, राहु का जो सिस्टम है उसको केतु डिस्चार्ज करता है, किस अच्छा दैट इज बिकॉज साइल, आप देखिए ना हम खाते यहां से हैं निकालते हैं लाइक यू नो केतु वाला पार्ट है वो या तो राहु से जो भी लिया जाता है वो केतु से निकाला जाता है, केतु अच्छा डिस्चार्ज करता है राहु चीज, ओके इसीलिए राहु केतु जिस भी एक्सिस में बैठता है, जहां भी बैठता है चार्ट के अंदर, वो साइमल्टेनियसली काम करता है, वो इंडिविजुअली काम नहीं करते कभी, अच्छा हाँ तो केतु हर वो चीज है जो राहु का है, राहु जिसको ग्रैब कर लेता है केतु उसको बाहर निकालता है, इसीलिए मैंने कहा कि जो चिमनी है ना घर की, जो हाँ चिमनी है दैट इज केतु, उसमें से क्या निकलता है धुआं, दैट इज धुआं राहु, यानी कि केतु कुछ नहीं है, इट्स अ वे ऑफ डिस्चार्जिंग राहु एक्चुअली, डिस्टॉर्जिंग राहु ठीक है हाँ वो राहु की एनर्जी को रिलीज करता है, तो हम इसको ऐसे भी जोड़ सकते हैं कि केतु जो कर्म रिलीज करता है वो राहु से शुरुआत होता है और केतु से खत्म होता है ना, ये राहु केतु के कारकत्व आ गए, केतु रोग भी है ब्रिज भी है, या इसलिए हम कहते हैं कि मून केतु एक्टिव जब हो जाता है तो ऐसे ट्रेवल करने जाता है जहां पे, जैसे लोग लक्ष्मण झूला देखने जाते हैं ऊपर रुद्रप्रयाग और देवप्रयाग कहाँ है वो ऋषिकेश में, ऐसी जगह जाते हैं, दैट इज अ मून केतु एनर्जी, ऋषिकेश इज प्योरली मून केतु एनर्जी, अब प्लेसेस की बात आ गई है ना, अब या प्लेसेस की बात आ गई, प्लेसेस में भी एनर्जी मून केतु का एनर्जी है, वो हरिद्वार आपका जुपिटर मून केतु, क्योंकि वहां पे मुक्ति के लिए जाते हैं ना लोग, अपना वो पिंडदान हड्डिया अवशेष जो रहते हैं, या आदमी मरता है एंड होता है तो उसको वो बहाते हैं वहां, दैट इज हाँ केतु,
केतु मूड, वहां पर कोई फ्लैग का भी सिग्निफिकेंस है जहां लक्ष्मण जी? केतु केतु जहां होगा वहां झंडा जरूर होगा, हाँ ठीक है। तो ये केतु की बात होगी। अब हम राहु की सिग्निफिकेशन की बात करें थोड़ा सा, और उसको हम ब्लेंड करें दूसरे प्लैनेट के साथ। जी जैसे मैंने कहा राहु ओपनिंग है, आपके जो लिप्स हैं दैट इज राहु, आपका जो माउथ का ओपनिंग रहता है दैट इज राहु, मतलब कोई भी चीज को आप स्वेलो करना चाहते हैं दैट इज राहु। राहु को इसीलिए ड्रैगन हेड यानी सांप का मुंह बोलते हैं हम लोग क्या नाड़ी नाड़ी बोलती है, हाँ प्रियनंदी नाड़ी। तो अब इसमें जैसा जैसा सिग्निफिकेशन ऐड करते रहे, और राहु का काम है, राहु हमेशा आपको एक अडल्ट्रेशन जरूर देगा, मिलावट जरूर देगा, मतलब वो एक फॉरेन एलिमेंट और आउट ऑफ द वे चीजें करेगा ही करेगा जिस ग्रह के साथ जाएगा। जैसे मून राहु का कॉम्बिनेशन हो गया, मून राहु का कॉम्बिनेशन मान लीजिए ऐसा हो भाई, थोड़ा सा समझा देता हूँ कि भाई मूवर्स हाँ का स्थान रहेगा हाँ आपको तो मालूम है दैट इज मून राहु है ना, हाँ या मून ऐसे हो और यहाँ पे राहु है मान लीजिए, और कहीं भी जुपिटर हो जैसे यहीं पे हो, या यहीं पे हो इसी के त्रिकोण में, या इसी के पीछे हो जैसे यहाँ पे बना हुआ है। हाँ सो इसमें हम क्या कहते हैं कि जुपिटर इज द बैली, जुपिटर इज द बैली स्टमक, हाँ मून इज द फूड, राहु इज द ओपनिंग या राहु इज द अडल्ट्रेशन। तो ऐसे लोग जिनका खाने का सिस्टम बिगड़ जाता है, मतलब देर इज क्या कहते हैं उसको, खाने को लेकर के उसका रहता है ना कि कुछ भी खा लेता है, कितना भी खा ले, तो खा लेता एक्सेसिव है तो उसको ईटिंग हो पता ही जाती है, बहुत कितना भी खा लिया। बड़ी एपेटाइट देता है, क्योंकि हाँ दोनों ही एपेटाइट, एक्सपेंड करते हैं, जुपिटर एक्सपेंड कर रहा है, राहु एक्सपेंड कर रहा है, तो राहु तो वास्ट करता है और मून फूड है। बिल्कुल। तो ईटिंग ईटिंग डिसऑर्डर्स एक्चुअली हाँ क्रिएट करता है। अब जैसे मेरे पास एक आया, तो ऐसे ही मैं दुकान में गया था एक बार, तो मैं जो सामने बैठा हुआ था लाला जिसको हम कहते हैं दुकानदार, अब ज्योतिष जिसके दिमाग में रहता है उसको हमेशा ज्योतिषी हर चीज में नजर आएगा। या तो बैठा हुआ है सीट पे और मोटा सा है, दैट इज प्योरली जुपिटर, पर वो जुपिटर नहीं था, वो जुपिटर राहु था, ठीक है, मतलब उसकी एनर्जी। क्योंकि हाँ एक और चीज, हमारे मैंने रविशंकरन की बात की तो उन्होंने कहा कि जुपिटर राहु वाला जो एस्ट्रोलॉजर होता है ना, उसके बड़े बड़े हाथ पैर, बड़ा सा मुंह होता है उसका, उसका शरीर फैला हुआ होता है, क्योंकि जुपिटर जीव है राहु एक्सपेंड करता है, इसीलिए फैटी लिवर भी होता है जुपिटर राहु वाला, क्योंकि लिवर है ना तो लाइक हाँ फूल जाता है और हाँ वो फिर लिवर में प्रॉब्लम करता है, साइनस के इशू। हालांकि फॉरन फॉरन जाने के लिए ठीक है, वो अलग पार्ट है जुपिटर राहु का। हाँ वो बैठा हुआ है वहां पे कुर्सी पे, तो और हाथों में उसने उसको पहना रखा होगा पंडित जी ने, वो रिंग्स पहनी हुई बहुत सारी, और वो फूड का काम करता है दैट इज मून। और फूड का काम क्या करता है, वो होलसेल का काम करता है, फूड का होलसेल मतलब बड़े लेवल पे करता है, दैट इज मून राहु वास्टनेस, मून इज द फूड राहु इज द वास्टनेस। तो उसके चार्ट में, और वो बैठा भी ऐसे है, पेट उसका है एकदम और बड़ा मोटा सा, दैट पर्सन वाज द सिंबल ऑफ जुपिटर मून राहु एज वन नाड़ी, ठीक है। अब वो हंसता है, हंसता है तो वो लगता है जैसे वो लाफिंग बुद्धा नहीं होता, हाँ लाफिंग बुद्धा इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ जुपिटर मून राहु, मून इज द लाफ, मून इज द स्माइल, जो आप मुंह खोल के हंसते हैं दैट इज हाँ राहु मून, और जुपिटर वो बैली हो गया उसका पेट हाँ थोड़ा सा दिख रहा है, तो लाफिंग बुद्धा का कॉम्बिनेशन है ये जुपिटर मून राहु, तो उसने और लाफिंग बुद्धा वीनस भी रखा लगा हुआ दो था। तो लेकर का भी हो सकता है काम, अगर वीनस लग गया मून की जगह, ब्रूरीज हो गई, लेकर हाँ बिल्कुल बिल्कुल, का देखा हुआ हाँ मैंने, लेकर के बिजनेस में है लोग। बिल्कुल। और अगर भरणी एक्चुअली नक्षत्र में है अगर तो वो लेकर को ट्रांसपोर्ट करते हैं ट्रक्स में, भरणी जी बिल्कुल दैट नक्षत्र इज अगर आ गया। जी बिल्कुल, एक्चुअली हम अगर इसी को देखना चाहें ना, किसी का जीव का कर्म क्या है, मतलब जीव किससे एसोसिएटेड, हाँ तो ऐसे लोग जो रिकॉर्ड होते हैं ना, जैसे मैं रुद्रप्रयाग गया तो मैं वहां पे एक लाइब्रेरी है, नाम याद नहीं, नक्षत्र करके कुछ है शायद, नक्षत्र वेदशाला, तो मैं वहां पे गया। अब वो जो पूरा एनर्जी है ना, वो जुपिटर मून राहु का एनर्जी है आसपास, क्योंकि वहां पे बड़ी बड़ी नदियां भी है, बहुत पानी भी है, कौन सी जगह? और रुद्रप्रयाग में नक्षत्र वेदशाला, अच्छा हाँ दैट इज इन उत्तराखंड, उनके अच्छा उत्तराखंड, पास वो ठीक कर्म बाग, बाघ संहिता है, भृगु संहिता है, कलेक्शन है उनके पास,
और बहुत सारा है। तो मैं वहां पे बैठा, बहुत सारी चीजें वहां पे, जो आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हैं और बहुत सारे एक्टर्स हैं, वो उनको चिट्ठी लिखा करते थे, उनकी कुंडली लिखा करते थे, वो सब पढ़ा हुआ है उनके पास, वो सब आते थे, तो वहां पे हमने देखा था वो सब। तो वो उस व्यक्ति के चार्ट में जुपिटर मून राहु, जो वहां पे सेवा करता है। देखो अब जुपिटर मून राहु या तो बहुत ज्यादा उसकी भूख है खा लेने की और ग्रेस्प करने की, ठीक है। मून इज द फूड, राहु इज द वासनेट, जुपिटर इज द वेल बेली, और जो उसको थोड़ा सा और एक्सटेंड करें तो जुपिटर इज द जीव कारक का कनेक्टेड विद द मून राहु। यानी को एक जो व्यक्ति है दुकानदार, मैंने देखा वो बड़े लेवल पे फूड का व्यवसाय कर रहा है, और जो जुपिटर मून राहु ये वो भी होता है, मैंने क्या कहा कि वो लाफिंग बुद्धा जो लोग रखते हैं घर में, है ना, लाफिंग बुद्धा, इट्स अ हाँ कॉम्बिनेशन ऑफ लाफिंग बुद्धा, जो आपका कॉम्बिनेशन है वो हर जगह दिखेगा। मेरे को किसी ने आया तो मैंने कहा उसको, मैंने कहा यार लाफिंग बुद्धा का कॉम्बिनेशन है चार्ट, उन्हें मैंने फ्रिज पे हाँ रखा हुआ, तो कैसे पता चला, मैंने यार जुपिटर मून राहु है आपका, इस यही कॉम्बिनेशन था, जुपिटर इन द सिक्स हाउस था उसका। आप देखिए जीव जिस भाव से जुड़ता है, एक होता राशि, हम लोग पढ़ते हैं ना कि जुपिटर जिस राशि में बैठा वो जीव उससे कनेक्टेड रहेगा, या लेकिन जुपिटर जिस भाव से भी बैठता है ना, ये आ गया वैदिक को हम ब्लेंड करने लगे नाड़ी के साथ, कि अच्छा जुपिटर जिस भाव में बैठा वो भाव भी उसकी पर्सनालिटी उसके काम में बहुत बड़ा रोल निभाता है। इसलिए जुपिटर अष्टम वाले बहुत ज्योतिष में आते हैं, जुपिटर 12 वाले फॉरन जाते हैं, 12 में फॉरन क्या है, उसके चार्ट में जुपिटर सिक्स हाउस में, एंड ही इज अ लॉयर, सिक्स हाउस, उसके नेक्स्ट हाउस में मून राहु, तो हाँ उसका ईटिंग डिसऑर्डर, उसको फैटी लिवर हो जाएगा और वो सब हो गया। मैंने कहा अब लाफिंग बुद्धा है, यही कॉम्बिनेशन है ना, कि जो जोर जोर से मुंह खोल के हंसते हैं, मून इज द लाफ, मून इज द स्माइल, राहु इज द ओपनिंग, मुंह अच्छा खोल के, एक एक और चीज दिखाता हूँ, जुपिटर। एक मिनट रुक, एक मिनट रुको, मैं एक चीज दिखाता हूँ। तुमने लाफिंग बुद्धा की बात करी ना, मेरे पास ये कुबेर है। ओ अच्छा, कुबेर इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लाफिंग बुद्धा जुपिटर, की तरह हाँ ये, बट ये कुबेर को भी हम जुपिटर से कनेक्ट करते हैं, जुपिटर हाँ, वीनस, क्योंकि इनका भी ये देखो ना, एकदम पेट निकला हुआ है और उसी एकदम गोल गोल चीक्स हैं जी ये। जिस दिन मैं लाया था ना, ये 2 साल हो गए इसको लाए हुए, जिस जिस दिन मेरे पास जी आया उसी रात को सपना आया कि मैं एक मंदिर में हूं और ये पूरा 30 या 40 फीट बिग एग्जैक्ट सेम वो है और उनकी तरफ में जा रहा हूं और उनकी तरफ में दैट इज हाथ जुपिटर करके मून राहु और है। फिर एकदम सपना गया। हाँ वो जुपिटर मून राहु एक्टिव था वो ट्रांजिट में, हाँ उस समय का देखिएगा, वो उस पे में रहेगा, क्योंकि वो राहु इज जिनजैटिक, राहु इज वास्टनेस, कोई भी बड़ा चीज अगर आप देखेंगे, बड़ा वैभवशाली कोई मूर्ति देखेंगे आप, हाँ जैसे मंगल राहु हनुमान जी का बहुत बड़ा मूर्ति है, तो वो सब ऐसे देखा जाता है। अच्छा तो ये लाफिंग बुद्धा वाली बात हो गई, अब हम कहाँ अटके थे, वो कहीं डाइवर्ट हो गया टॉपिक। तो मुझसे कह रहे ना वो फैटी लिवर और वो फूड का, जुपिटर राहु मून का, और लॉयर लॉयर की बात हाँ कर रहे थे। हाँ और कर्म की भी बात आ रही थी कि जीव का कर्म क्या है, हाँ तो जीव कई ऐसे लोग जो होता ना, अरे मैंने कॉफी पीने में रिकॉर्ड बनाया है जी, मैंने एक दिन में इतने कप पी लिए थे, चाय के मैंने 35 कप पी लिए थे, मैंने जब उसका चार्ट देखा तो मैंने देखा उसमें जुपिटर मून राहु है, ट्राइन बनाया हुआ है, मैं कहा यार तुम बड़े अजीब आदमी, लेकिन उसको देखो शौक क्या है, उसको शौक है लोगों को मास लेवल पे रोज वो खाना खिलाता है, मून इज द फूड, राहु इज द बिगर लेवल, मतलब फूड डिस्ट्रीब्यूशन एक बड़े लेवल पे, और हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि जुपिटर मून राहु एक ऐसा ब्राह्मण जो खाने पीने का शौकीन है, तो जिन हाँ लोगों के चार्ट में ये होता है बड़े खाना भी खिलाते हैं, बहुत सारे लोगों को खाना खिलाने के शौकीन होते हैं, बड़े लार्ज नंबर पे फीडिंग करना, लोगों को खिलाना, ये भी उनका कर्म जुड़ा होता है, लोग पूछते हैं ना कि कौन सा कर्म करें क्या करें, हाँ तो चार्ट के अंदर ये सब वहीं से सब दिख जाता है, और या वो इंस्टिंक्ट भी आता है ना, फूड का बिजनेस जुपिटर राहु ये सब पर है। कर्म पे फिर हम वो भी तो देखेंगे, शनि अगर कर्म हाँ पे। एक्चुअली हाँ दो चीजें हैं कि सैटर्न एक अलग तरीके का है, जिसमें कि एक प्रोफेशन इन्वॉल्व हो गया, एक तो प्रोफेशन इन्वॉल्व हो गया, कर्म भी इन्वॉल्व हो गया, लेकिन जो जीव किस खुद किससे कनेक्ट होना चाहता है, अच्छा, बिकॉज क्योंकि जीवा इज या सेल्फ है कंसीविंग तो एंटिटी, अकाउंटेंट पर एस्ट्रोलॉजर बनना चाहता है, पर शनि ने अकाउंटेंट बनवा दिया।
जी बिल्कुल। ये और हो अगर गया। किसी का जुपिटर और शनि एक डायरेक्शन में जाए, जैसा हमने पिछली बार कहा था, फिर वो वही करता है जो सेम डायरेक्शन में जाता है, या एक जाएगा। तो ये राहु के कुछ कारक तत्व थे, राहु मून जुपिटर फॉरन का भी कॉम्बिनेशन है। लोग बड़े बड़े सीज और जैसे गोवा जाने का शौकीन होते हैं लोग, है ना, अब तुमने ट्रैवल कहा था कि जैसे बड़े गांव लंबा। में किसी का होगा राहु जुपिटर, पर वो कहीं फौरन नहीं जा पाएंगे, तो ऐसा क्यों होगा? क्योंकि बिल्कुल फौरन अटैच हुआ भाई जीवा से, तो उसमें क्या क्या हाँ, देखा जाएगा? आप देखिए। हाँ एक और चीज यहीं पे हम कह लेते हैं कि जिसका भी जुपिटर के नेक्स्ट हाउस में राहु या जुपिटर राहु की युति है, इसके कई मीनिंग है। इसके मीनिंग ये भी है कि आपको हमेशा डिफरेंट कम्युनिटी, अपनी कम्युनिटी से अलग हाँ कम्युनिटी वाले आपकी तरफ आएंगे, वो हेल्प या करेंगे, आपका बनेगा ऑफिसर। एक गांव तो से ये दूसरे हमेशा गांव फॉलो, चलेगा। हाँ वही वो कहता है कि देखो गांव में जात पात बहुत चलता हाँ है ना, या रिलीजन भी चलता है। तो जैसे मेरा ये खास व्यक्ति है तो वो आसाम में रहता है, उसका जुपिटर लिब्रा का है, राहु जेमिनाई का है। हालांकि उसका जुपिटर स्वाति नक्षत्र में भी है, स्वाति आपको पता है इट्स कनेक्टेड विद द आउटकास्ट इन द हाँ निस्त्य नक्षत्र। या लेकिन नाड़ी के हिसाब से भी तो आएगा, नक्षत्र के हिसाब से जो आएगा आएगा, लेकिन हाँ नाड़ी के हिसाब से तो वही आएगा। तो हाँ वो हमेशा डिफरेंट कम्युनिटी से हेल्प पाएगा, जैसे मुस्लिम, वो हिंदू है तो मुस्लिम, है ना, और उनके साथ उनका बनेगा, उसी की तरफ अट्रैक्ट भी होगा। आसाम में रहता है तो कहीं राजस्थान की लोगों से उसका ज्यादा हाँ बनेगा, मतलब वो एनर्जी ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो आपका किससे बनेगा, ये भी जुपिटर के साथ जो प्लैनेट बैठा है उसको हम देखते हैं। तो आपने जैसे कहा कि वो फॉरन, नहीं, जुपिटर राहु फॉरन ही थोड़ी है, हाँ डिफरेंट कम्युनिटी भी है। अब वही बात आ गई कि जीव राहु फॉरन से कनेक्टेड, लेकिन फॉरन तो गया ही नहीं। हाँ अब उसमें भाव की बात आती है, भाव देखना पड़ता है। अगर आप भाव नहीं देखेंगे यू विल बी कंफ्यूज्ड, आप नहीं निकाल पाएंगे कि ये जाएगा कि नहीं। फिर वही आपका फोर्थ इन नाइन, ट्वेल्थ से कनेक्टेड हो, मून राहु से कनेक्टेड हो, ये सारी चीजें उसमें देखनी पड़ेगी। दूसरा, किसी भी चीज में जैसे जुपिटर इज द जीवा, राहु इज द फॉरन, जब तक मून इन्वॉल्व नहीं होगा, क्योंकि मून ट्रेवल है, हाँ या सैटर्न इन्वॉल्व नहीं होगा, सैटर्न प्रोफेशन है राहु के साथ, तो वो नहीं जाएगा फॉरन। वो जुपिटर राहु है वो वहीं पे रह जाएगा, वो राहु का एनर्जी उसको उसी के हिसाब से कर रहा होगा, इफेक्ट कर रहा होगा, ऐसा नहीं कर नहीं रहा होगा, कर रहा होगा, कर रहा हूं डिफरेंट कम्युनिटी के लोगों के बीच में रहता होगा, या है ना, राहु से रिलेटेड शैडो वर्क्स वर्क करता होगा, ये सारी चीजें करता है। और राहु फैलाता है किसी भी चीज को, जैसे हम कहते हैं राहु सूर्य की युति हो तो कहते हैं कि देखो राहु सूर्य की युति को लोग कहते हैं ग्रहण योग, लेकिन सन आपका कीर्ति है, फेल। हाँ अगर सन पावरफुल चार्ट के अंदर और राहु ने क्रॉस कर लिया डिग्री को, सूर्य की डिग्री को, या अगर सन पावरफुल है तब भी वो राहु की तरफ जा रहा है, अगर तब भी आपको, क्योंकि राहु फैला देगा ना आपका प्रकाश, आपका फेम फैला देगा वो, हाँ मतलब वो वायरल करता है आपको, राहु सन का कॉम्बिनेशन। या और आंख बड़ी छोटी होती है, फिर सन इज द आईज ना, राहु फैलाता है तो आंख बड़ा कर देता है, अच्छा केतु श्रिंक कर, जैसे मेरा आंख छोटा है थोड़ा, एक छोटा छोटा है, तो केतु मून का इफेक्ट है, वो समझ गए। केतु और श्रिंक करता है। हाँ वो आंखों का कई बार वैसे भी प्रभाव सन पड़ता को है। राइट आई बोला गया है, चंद्रमा को 12वां लेफ्ट आई बोला गया, तो या वैसे ये भी देखना बिल्कुल शुक्रा को भी ना आइस का देना चाहिए, क्योंकि हाँ शुक्र बिल्कुल का जब होता है ना कहीं आंख में कुछ होता है। मैंने खुद अपने आंख जी देख रखा है, मैंने जब जी शुक्रा के बिल्कुल मंत्र स्टार्ट किए ना मेरे आंख में स्टाई हो गया। जी बिल्कुल। देखिए और क्या होता है, बिल्कुल ये यही आपके चार्ट में शुक्र एक्टिवेट होगा, जैसे शुक्र मून की युति होती है ना, जब जैसे वीनस मून का प्राइम कनेक्शन हो, वीनस मून का आमने सामने का कनेक्शन हो, या आप देखिए उनको हम कहते हैं कि वन आई आई वुमन, है ना, मतलब एक आंख वाली महिला आपकी मदर के जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाती है, या आपके जीवन में बहुत बड़ा रोल निभाएगी। आपकी कोई बेटी, वाइफ, मदर को एक आंख में प्रॉब्लम होता है, कोई एक आंख से पानी निकलता है, वीनस मून का कॉम्बिनेशन है, ये उसमें देखा जाता है। अच्छा और हाँ,
मून अगर मान लीजिए एग्जॉल्टेड है और उसको वीनस देख ले, जैसे मून टॉरस में है, अब नाड़ी के हिसाब से मान लीजिए ये टॉरस है आपका और यहाँ पे आपका मून बैठा हुआ है और 12 नंबर में वीनस बैठा है, तो ये 3 और 11 का संबंध हो गया। तो मून यहाँ एग्जॉल्टेड है और उसको वीनस एग्जॉल्टेड होकर के देखता है, तो इसका मतलब है कि एक आंख वाली महिला आपकी मदर को हेल्प करेगी। तो वो अगर प्रॉब्लम में है तो आपकी कोई आंटी, कोई मासी, कोई जो है उनको एक आंख वाला इशू रहेगा जिसको वो उसकी मदद के लिए आएगी। दैट इज वीनस मून। तो और हम कारक तत्व को डिस्कस करें और दूसरे प्लैनेट को राहु का हो गया आई थिंक, अब या जैसे राहु के राहु साथ शनि और होते हैं, राहु शनि तो का क्या होता है बिसाइड्स फॉरेन ले जाएगा वो वहां, क्योंकि हाँ सैटर्न इज द कर्म कारक एंड मैंने बहुत सी चीजें सुनी हुई है शनि और राहु के कॉम्बिनेशन के बारे में, पर मैंने वेरिफाई, मैंने कहा इस हेमराज से ही पूछूंगा कि क्या है उसका, उसका क्या है। तुमने कहा ना कि बीएनएन मजाक में बहुत से लोग बहुत कुछ कहते हैं पर उनका मतलब कुछ और ही होता है। या एक्चुअली क्या होता है ना कि जो आदमी सबसे ज्यादा सच बोलता है ना, लोग उसी से नफरत करने लगते हैं। आजकल की डेट में सच अगर आप बोल देंगे ना, जैसे मैंने किसी को रेक्टिफाई किया, वो कह रही थी कि ऐसा है, मतलब मैंने कहा वो सब भृगु नंदी नाड़ी से कॉपी किया होता है, हिंदी में लिखा है, तो वो मुझे पिछले यू वॉन्ट टू शो की दैट यू आर द सुप्रीम, मैं कहा मैं तो आपको सही कर रहा था भाई। तो अगर आप सच बोलते हैं तो लोग आपसे उतना नफरत करते हैं क्योंकि लोग सच नहीं सुनना चाहते आज के हाँ डेट, सबकॉन्शियसली उतना राहु इतना ज्यादा वो हावी हो चुका है, क्योंकि राहु इज प्योरली यूट्यूब इंस्टाग्राम ये सब राहु है, या इट एक्लिप्सिस ऑल माइंड है ना, ये उनको बांध के रखता है, तो वो सुनना नहीं चाहते, वो मीठी मीठी बातें सुनना पसंद करते हैं। तो जैसे आपने कहा ना कि ऐसा वैसा कहते हैं, अब देखिए शनि कर्म कारक है और शनि बड़ा भाई भी है। बहुत सारे लोगों को ये गलतफहमी हो जाता है कि जुपिटर जब शनि के ऊपर से जाएगा तो आपको करियर में राइज देगा, लेकिन जरूरी नहीं है, हो सकता है आपके बड़े बड़े भाई भाई को को राइज दे मिली दे। उसमें, आपको नहीं मिला, आप ढूंढते रह गए, अरे मेरा तो जुपिटर शनि के ऊपर से गया था, मुझे तो नहीं मिला। कुछ लोगों को जब टेक्निक बताते हैं ना तो बड़े गुस्से में कहते हैं, फ्रस्ट्रेटेड रहते हैं, तो कहते हैं अरे ऐसा नहीं हुआ था कहीं भी, अरे भाई आपका बड़े भाई होगा तो जुपिटर उसके ऊपर जा रहा होगा तो वो कर रहा होगा ना उसको, तो ये सब था। तो जैसे आपने कहा सैटर्न बड़ा भाई है और सैटर्न कर्म कारक है, इट्स कनेक्टेड विद द राहु। तो शनि और राहु को हम एक और चीज कहते हैं, शनि कर्म कारक होता है, राहु आपका दाता साइड हो गया, ठीक है। तो इसको नाड़ी ज्योतिष में कहते हैं ऋगु नंदिनी में पितृ कर्म योग, यानी कि जो व्यक्ति अपने पितरों के कर्मों को करता है या पितरों के कर्मों को फॉलो करता है, ऐसे होता है ना कि मेरे दादाजी ये किया करते थे, मेरे दादाजी मेडिसिन में काम करते थे, मैं भी मेडिसिन का कुछ जानता हूँ, मतलब तो उन्हीं के कर्म, या भाई मैंने अपने किसी ने उनको सजेस्ट किया कि आपके पितर नाराज हैं, ऐसा कर दिया ऐसा कर, तो वो जाता है फिर वो पितरों के लिए बहुत कुछ करता है ना, दादा की प्रॉपर्टी के लिए फाइट करना है उसको बहुत ज्यादा, सैटर्न रॉ, सैटर्न कर्म कारक है, राहु फॉरन है, तो फॉरन में देखे जाते हैं ऐसे लोग, टेक्नोक्रेट्स। अब एक और चीज बात आती है, जो एक्वेरियस साइन है ना कुंभ राशि, दैट इज सैटर्न राहु एनर्जी, दैट इज सैटर्न राहु एनर्जी। तो सैटर्न राहु और एक्वेरियस इट्स वन एंड द सेम थिंग, जो एक्वेरियस में प्लैनेट बैठा होगा और सैटर्न राहु के साथ जो बैठा होगा, सैटर्न राहु के त्रिकोण में जो बैठा होगा या सैटर्न राहु जिस साइन में बैठे है, हाउस में बैठे, समझ लीजिए वहां एक्वेरियस है प्योरली, ये शेडो वर्क जैसे हम लोग काम कर रहे हैं, जो ये यूट्यूब वाला है या लाइट्स है बहुत ज्यादा आर्टिफिशियल लाइट्स है, दैट इज शेडो वर्क, जितना भी आजकल होता है इंस्टाग्राम फेसबुक और ये सब चीजें, बड़े लेवल पे दूसरों को प्लेटफॉर्म क्रिएट करके देना, ये सैटर्न राहु का काम है, सैटर्न राहु का काम है ये, कि जैसे के एन राव साहब, उन्होंने भाई बड़े बड़े उन्होंने भारतीय विद्या भवन की शुरुआत की या जो भी है उसको बड़े लेवल पे लेके गए, दैट इज सैटर्न राहु। एक्वेरियस भी उसी चीज को रिप्रेजेंट करता है, और जो भी प्लैनेट सैटर्न राहु के साथ जुड़ेगा उसके अंदर आर्टिफिशियल चीजें लेके आएगा, उसका बॉडी पार्ट को वीक करेगा, मान लीजिए सैटर्न राहु बैठा है उसके त्रिकोण में सन बैठा हुआ है, तो कृत्रिम रूप से
या तो वो मेल चाइल्ड को हार्म करेगा, पहले तो वो मेल चाइल्ड को हार्म करेगा, आर्टिफिशियल लाइट की जरूरत पड़ेगी यानी कि चश्मे की जरूरत पड़ेगी, उनको हाँ कमजोर करेगा, शेडो वर्क करेंगे तो लाभ देगा, जैसे आप यूट्यूब पे आते हैं, फेसबुक पे आते हैं, कुछ भी उससे जुड़ा हुआ काम करते हैं, कैमरा से जुड़ा हुआ, सैटर्न हो, तो आप उसमें उसमें जाते हैं, सक्सेस ना सक्सेस वो और कॉम्बिनेशन पे डिपेंड करता है ना, फॉरेन का या कॉम्बिनेशन है जैसा आपने कहा कर राहुल, फॉरेन तो सैटर्न आओ कॉम्बिनेशन भी खराब नहीं है, अगर सैटर्न आओ की युति बनी हुई है आपकी कहीं पर भी, और मान लीजिए उसके आसपास, क्योंकि देखो सैटर्न कालपुरुष कुंडली में 11वें भाव का स्वामी, पैसे वाले बहुत होते हैं, बाप दादाओं की भी प्रॉपर्टी मिलती है, उनका घर बना हुआ था जी, पुराना बिल्डिंग थी, मुझे मिली है सैटर्न राहु, तो सैटर्न राहु जब शुक्र के साथ कनेक्ट हो जाता है, जुपिटर के साथ कनेक्ट हो जाता है और मरकरी के साथ कनेक्ट हो जाता है, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा राजयोग भृगु नदी नाड़ी में माना जाता है, आपने वेल्थ के ऊपर बनाए थे राहु वीनस, हाँ तो तो अच्छा, देखो अगर ये सैटर्न देखो है कि शनि से अगर लोअर डिग्री में राहु हो या हायर डिग्री में राहु, उसका क्या फर्क होगा फिर, होता है या नहीं? अच्छा बिल्कुल होता, देखिए देखिए उसमें ऐसा रहेगा कि अगर सैटर्न, अब एक चीज है उसमें कि जब सैटर्न कर्म कारक की डिग्री कम होगी और राहु की ज्यादा होगी, तो राहु इज अप्रोचिंग टुवर्ड सैटर्न, हाँ तो अगर वो एस्ट्रोलॉजर है या वो ऐसे भी काम करता है, तो उसमें क्या है कि वो दूसरों की एनर्जी को बड़ा जल्दी अट्रैक्ट करता है, मतलब वो दूसरे के कर्म, दूसरे के पाप अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, इसलिए नाड़ी में एक जगह ये भी है कि अगर आपका सैटर्न की डिग्री कम है, राहु की ज्यादा है, सैटर्न के नेक्स्ट हाउस में राहु, आपको ज्योतिष नहीं करना चाहिए, आपको कंसल्टेशन नहीं देना चाहिए, क्योंकि वो उसका एनर्जी को, राहु है ना पीछे आ रहा है ना, सैटर्न हाँ कर्म है तो उसके कर्म को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट कर, मतलब उसकी कुछ एनर्जी को अट्रैक्ट जरूर करेगा, तो सैटर्न राहु वाले इसीलिए जब उन, खास करके सैटर्न की डिग्री कम हो राहु की ज्यादा हो, जब एक खराब व्यक्ति या मान लीजिए उसकी नजर या उसकी एनर्जी ठीक नहीं है, दे आर वेरी प्रोन, बीमार हो जाएंगे, काम में दिक्कत आने लग जाएगा, तो वो कई दिन तक डिस्टर्ब रहते हैं क्योंकि सामने वाले की एनर्जी को अपनी तरफ खींचता है सैटर्न। अब वो जो आपने कहा सैटर्न इज द कर्म कारक, राहु इज द शैडो, राहु इज द फॉरन, राहु इज द माया, हाँ वो वाली बात यहाँ लागू हो जाएगी बहुत ज्यादा, वो प्रोमिनेंटली लागू होगी, लेकिन अगर राहु पहले निकल जाए और सैटर्न आगे चला जाए तो वो इंटेंसिटी कम हो गया, लेकिन उसमें अगर राहु मान लीजिए 3 डिग्री तक वैसा ही है, हाँ मान लीजिए राहु 3 डिग्री का है और सैटर्न 6 डिग्री का है, तो ये हाँ कहीं ना कहीं जाकर के नवांश में एक जगह पाए जाएंगे, या तो वो हम नहीं कहेंगे राहु निकल गया, हम ऐसा नहीं कहेंगे, कम से कम ये 5 डिग्री से पीछे जाना चाहिए, तो वो जो शेडो है वो अब यहाँ पे क्या दिखाएगा, यहाँ पे वो कर्म यानी आपके प्रोफेशन का पास्ट दिखाएगा कि पहले आपने ये किया था, पहले आप इस काम में थे, है ना, वो ये दिखाएगा कि इनिशियली इस व्यक्ति को अपने काम में स्ट्रगल मिला होगा और बाद में ये राइज किया होगा, और सैटर्न के आगे अब जो प्लेनेट आएगा उसके हिसाब से इसका रिजल्ट बनेगा, अच्छा हाँ इसका प्रभाव कम हो गया, ये पास्ट को दिखाएगा, जैसे होता है ना केतु प्लस सैटर्न होता है और सैटर्न प्लस केतु होता है, तो केतु हम कहते हैं कि इनिशियली इसको कुछ हर्डल आए होंगे लेकिन बाद में वो आगे चला गया क्योंकि केतु उसका पास्ट बन गया, वैसे ही राहु पास्ट बन जाएगा, तो राहु स्ट्रगल दिखेगा करियर में, बिगिनिंग में, अगर ऐसा है। होते हैं ना कुछ लोग कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब करते हैं पहले, फिर बाद में रेगुलर कहते हैं मैंने बहुत से शुरुआत की फिर मैं आगे बढ़ गया, तो मेरे हिसाब से राहु प्लस सैटर्न इज अ गुड थिंग, सैटर्न प्लस राहु थोड़ा सा दिक्कत जरूर करता अच्छा, और राहु सैटर्न क्या है तांत्रिक भी बना सकते हैं, जो जादू में जी, जाते हैं, ऑल काइंड्स ऑफ मैजिक एंड देखो माया मैं इसे पूछ रहा था क्योंकि मैंने देख रखे हैं, माया क्योंकि मेरे से हर कोई कंसल्टेशन लेता है, तो मैंने जो कॉम्बिनेशन देख रखे हैं ना, राहु सैटर्न, राहु मार्स, आई मीन सैटर्न मार्स, सैटर्न राहु के कॉम्बिनेशंस बहुत देखे हुए हैं, जो जी मैजिक में होते हैं, तांत्रा में होते हैं। जी माया माया, और जो हिप्नोटाइजर्स होते हैं जो हिप्नोटाइज हाँ करते हैं, जो जादू दिखाते हैं आपके मन की बात को पढ़ रहे हैं, हाँ सैटर्न राहु, बहुत सारे लोग जिनको ऐसी फीलिंग आती है कि मेरे शरीर में तो ऐसे निशान बनते हैं जैसे सांप सांप,
ऐसा लगता है उनको कि सांप का निशान बना है हाथ में, लाइक कई बार लगता है बहुत सारे लोग, या अच्छा सांप दिखते हैं, सांप दिखते हैं, या वो ऐसी साधनाओं में इन्वॉल्व हो जाते हैं जिसमें सांपों का बड़ा रोल हो जाता हाँ है। दैट इज सैटर्न राहु। हाँ वो है सैटर्न राहु। अच्छा। और फिर जैसे अब देखो मरकरी वीनस हो गया, वो क्या क्या लक्ष्मी नारायण योगा बोलते हैं जी उसको, जी तो हाँ भृगु नंदी हाँ नाडी क्या कहती बिल्कुल है इनके बारे में? जी। थोड़ा सा मरकरी की बात करते हैं ना, हाँ मरकरी की बात करें, मरकरी जुपिटर मरकरी वीनस की बात अपने आप हाँ होएगी। देखिए ये कार्बन पुलिंग के हिसाब से चलते हैं, मरकरी इज द थर्ड लॉर्ड, हाँ वीनस इज द सेकंड लॉर्ड। हाँ मरकरी के अंदर डुअलिटी है, मरकरी आपका वो जेस्चर है, मरकरी मल्टीफॉर्म है ना। तो जितने भी एक्टर्स होते हैं, जितने भी जिनको शौक होता है जेस्चर का या जो भी है, तो उसमें मरकरी का रोल होता है। तो मरकरी वीनस इससे कॉम्बिनेशन ऑफ सेकंड एंड थर्ड लॉर्ड, या हम कहते हैं वो अच्छी कम्युनिकेटर होते हैं, इनकी पत्नी बहुत यंग लुकिंग होती है, वीनस मरकरी हाँ पढ़ने वाली, बहुत अच्छा कम्युनिकेशन, अगर मून आ जाए तो हंसती बात करते हुए हंसती रहेगी, है ना। वीनस मरकरी मून इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ यू नो स्माइलिंग गर्ल्स जो होती हैं वो एकदम फोटो हाँ खिंचवाती है, दो तीन लड़कियां बड़ा खुश होती हैं एकदम, या दैट इज वीनस मरकरी मून। तो बिकॉज मून इज द स्माइल, इसीलिए वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन बहुत अच्छे टीचर्स, बहुत अच्छे मार्केटिंग, बहुत अच्छे जो बोलते हैं उनके चार्ट में पाया जाता है, बहुत अच्छा बोलते हैं, जिनका कम्युनिकेशन स्किल अट्रैक्ट करता है दोस्तों, दैट अच्छा इज मर्करी, क्योंकि वो कालपुरुष कुंडली का सेकंड और थर्ड लॉर्ड का कॉम्बिनेशन। या और उसको हम लक्ष्मी नारायण योग भी कहते हैं, उसको हम फ्लड योग भी कहते हैं, क्योंकि वीनस इज द वेल्थ हो गया ना, ऐसा वेल्थ जो आदमी अपने आप से कमाता है, या कम्युनिकेशन अपने बोलने के, कहते हैं ना कि यार इसकी तो बातें बिकती हैं, लोगों की बातें हाँ बिकती है, आजकल के मॉडल स्पीकर जो है बातें करनी, दैट हाँ इज आल्सो वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन। तो ये वीनस इज द वेल्थ, मरकरी मल्टीप्लाई करता है उसको, या मरकरी बिजनेस, तो वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन फॉर बिजनेस, अगर आपको बिजनेस करना है इट इज अ वन ऑफ द कॉम्बिनेशन, अच्छा कॉम्बिनेशन है, क्योंकि आपकी वेल्थ को मल्टीप्लाई करता है, गाड़ी होगा तो दो गाड़ियां देगा। अब वो मरकरी के गुण पत्नी के अंदर भी आएंगे, जेस्चर बहुत अच्छा होता है ऐसे लोगों का बोलने का, वो सब सारी चीजें। तो ये वीनस मरकरी की बात हुई। अब लक्ष्मी नारायण योग जैसा आपने कहा, वो वेल्थ की वजह से उसको कहा गया है, अच्छा क्योंकि मरकरी को विष्णु कहा गया है, हाँ नारायण, और वीनस को लक्ष्मी कहते हैं, भी तो कहा इसलिए गया। लक्ष्मी नारायण तो फिर जी। इसमें सिक्स्थ और तो सेवन्थ का भी तो फिर कॉम्बिनेशन बनता है। ये तो इट्स वन ऑफ द, मतलब यहाँ पे देखो वीनस के जो नॉन लिविंग थिंग्स है उसको हाँ बढ़ाता है मरकरी, उसको अच्छा मरकरी बढ़ाता है, लेकिन जो लिविंग थिंग है उसको कहीं ना कहीं, कई बार जैसे इनको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम, डुअलिटी ले आता है, मैरिड लाइफ कुछ प्रॉब्लम भी देता है वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन, इसीलिए इसको फ्लर्ट योग भी कहते हैं ना, कि वो मरकरी इज द फ्रेंड, वीनस इज द फीमेल, तो फीमेल फ्रेंड्स है उसकी बहुत, है ना, या लड़कियों से बातें करने वाला, वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन ये है वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन। अच्छा और हाँ तो ये वीनस मरकरी कॉम्बिनेशन है, और नेचुरल सिक्स्थ और सेवन्थ का कनेक्शन है ये, तो ये अगर एफ्लिक्टेड हो गया, सेवन्थ हाउस सेवन्थ और एफ्लिक्टेड है, तो दो शादी, डुअल रिलेशनशिप, ये सब हो जाएगा। अच्छा क्योंकि वो सिक्स हाउस पर फाइट्स होती हैं, सेवेंथ हाउस मैरिज होता है, तो उसमें डेफिनेटली फाइट्स भी होंगी, डिसएग्रीमेंट्स होंगे। इसीलिए वीनस वर्गो का कभी भी आप देखिए वो खराब रिजल्ट नहीं देता है, हाँ वो कभी खराब रिजल्ट नहीं देता है, मटेरियलिस्टिकली वो बहुत अच्छे रिजल्ट देता है। लोगों को लगेगा अरे कैप्रिकॉर्न असेंडेंट है, 10th लॉर्ड डेब्यूटेड हो गया जी, अरे वो राजयोग दे देगा उसको, एक तो या 10th लॉर्ड होकर के 9th बैठा, एक तो वीनस होकर के मरकरी के साइन में बैठा, भले डेब्यूटेड है, उसकी मैरिड लाइफ में कुछ इश्यूज आ सकते हैं, पत्नी को कुछ इश्यूज आ सकते हैं, लेकिन उसको मटेरियलिस्टिकली प्रॉब्लम नहीं करता हाँ जी। ये वीनस मरकरी, अब इसमें मरकरी में हम थोड़ी और बात करें, जैसे हाँ कुछ लोग वो मरकरी, मरकरी क्या है ना, बात करना, कम्युनिकेशन, यंग लुकिंग, चाइल्डिश, ये सब है, तो जितने भी लोग बच्चों के काम से जुड़ते हैं, बच्चों के काम से जुड़ते हैं, उनके चार्ट में सैटर्न मरकरी जुपिटर मरकरी पाया जाता है।
अब ऐसे लोग जो होते हैं जैसे बात करते टाइम हंसने लगेंगे, हंसते रहते हैं, स्माइल करते रहते हैं, या हाथों का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, जेब में हाथ डाल के बात करते हैं, दे हैव जुपिटर मर्करी कॉम्बिनेशन। और अगर जैसे मान लीजिए किसी का जुपिटर यहाँ है, मान लीजिए हाँ नाड़ी के हिसाब से बता रहा हूँ, थोड़ा व्यूअर्स को आसान रहेगा, कि हाँ अगर जुपिटर यहाँ पे है और मरकरी के साथ है, या मरकरी उसके प्राइम में है और मून कहीं भी जुड़ जाए ऐसे ऐसे, अच्छा या मून क्या है वो, मून साथ में हो किसी भी वे में, या जुपिटर की राशि में ही मून बैठा हो। अब ये एक टेक्निक है कि जुपिटर की राशि में जो भी ग्रह बैठेगा, धनु में स्पेशली, वो जुपिटर उसका एनर्जी कैरी करके चलेगा। तो अगर धनु राशि में भी जुपिटर बैठा है और जुपिटर मरकरी का कॉम्बिनेशन है, तो हम ये कहते हैं कि ऐसा व्यक्ति जो होता है ना, बात करता है हंसता रहेगा, स्माइल करता रहेगा, जब जैसे ही बोलने लगेगा हंसने लगेगा, लोग कहते हैं यार तू हंसता क्यों रहता है। दैट इज द जैसे जुपिटर मरकरी। उसका अगर इंटरव्यू देखो, जेफ बेजोस जो अमेजॉन का सीईओ था फॉर्मर, ही हैड दिस थिंग, जी जब वो बात करते तो वो हंसने लग जाता था बीच में से, एवरी सिंगल जी सेंटेंस वो हंसता। जुपिटर मरकरी मून इसलिए होलसेल बिजनेस करने वाले, क्रिएटिव आर्टिस्टिक नेचर होता है। हम लोग वीनस को लेते हैं ना, आर्ट, नाड़ी हाँ ज्योतिष में मून इज द आर्ट, हाँ मून इज द आर्ट। तो अगर मून मरकरी का संबंध आपके लगन, या मून मरकरी का संबंध लग्नेश, मून मरकरी का संबंध जुपिटर, सेकेंडली थर्ड लॉर्ड के साथ मरकरी और मून का संबंध, क्योंकि सेकेंड हाउस आपका फेस एक्सप्रेशन, हाँ आप जो बोलोगे हंसने लगोगे, हंसोगे, लोग कहते हैं यार ये बड़ा हंसोगे, बात करते टाइम वो अपने आप ही हंसने लगता है, स्माइल। और यही हाँ कॉम्बिनेशन है होलसेल बिजनेस का भी। अच्छा जी होलसेल। तो और बातों उसमें से अगर छोटे जैसे केतु लेते आ जाता है तो फिर वो छोटे छोटे आइटम्स का भी बिजनेस कर सकते हैं, जैसे एक्सेसरीज होती जी हैं, क्योंकि छोट एक तो बिल्कुल राहु तो होलसेल दिखाएगा, पर केतु दूसरी जगह वो भी दिखा सकता है कि छोटे आइटम्स का भी बिजनेस कर सकते हैं। अच्छा ये जी बताओ, बिल्कुल बिल्कुल जाने से पहले क्योंकि मुझे हवन करना था ना, जामाकुल प्रश्न सुना है? जी, सुना है लेकिन आई नेवर ट्राइड इट, बुक न है मेरे पास पढ़। अच्छा हाँ, जमाकुल प्रश्नम मैंने सोचा था मैं करूंगा, लेकिन वो हाँ, समय नहीं मिल पा। क्योंकि हाँ मैंने भी पढ़ने की कोशिश की, पर कॉम्प्लिकेटेड, उसमें कैलकुलेशंस की बहुत जरूरत है। हाँ, उद्यम और बहुत सारी चीजें हैं उसमें, उदय लगना और वो सब चीजें नहीं पता मुझे। हाँ, हर 1.5 घंटे में एक प्लैनेट आता है, मैंने सोचा अगर जी जानते हो नहीं, तो। मैं सीखने वाला हूँ उसको, तो डेफिनेटली बताया जाएगा। अच्छा चलो ठीक है हेमराज जी, यहाँ तो 11 बज रहे हैं, मेरा चलिए आयो। स्टार्ट होगा 1/2 घंटे में, तो अब देखो नाम भी देखो अपना, अरे वाह हेमराज पुष्या। हाँ साउंड पुष्या नक्षत्र है ना, तो वही असली टीचर, जी जुपिटेरियन टीचर हो तुम बृहस्पति। बिल्कुल, पुष्या नक्षत्र मेरा मून पुष्या में है, और अच्छा ले हेमराज अभी तो पनीर अच्छा लगता है खाने में, पनीर पनीर बिल्कुल और बर्फी, या पुष्य वालों को पनीर बड़ा पसंद होता है। चलो जी बिल्कुल। और ये पुष्या वाले हाँ ये रहता है पुष्या वालों का कि हर कोई उनके पास आएगा जब, मतलब सेटिस्फाइड होने के लिए आएगा। पुष्या हाँ नक्षत्र वालों को हमेशा दूसरों को सेटिस्फाइड, शांति देनी है उनको। अगर कोई बहुत हाइप पर्सन है ना, हाँ हाइप मतलब गुस्से वाला है या मानता नहीं है, हाँ पुष्य वाले के पास दे दीजिए, बच्चा रो रहा है पुष्य नक्षत्र वाले के पास दे दीजिए, अच्छा वो शांत, वो मतलब वैसा नक्षत्र है, ये बताओ सेटिस्फाइड। अभी तुम्हारी एज 33 हुई है या नहीं? मैं कितने साल का हो गया, मैं 32 का, 90 का बर्थ है, तो चल रही है ना, 33 चल रहा है चल जी रहा है अभी ना, स्टार्ट। हाँ और मून पुष्या में 33rd ईयर जी पे भाग्योदय होता है पुष्य का, एग्जैक्टली तभी जी बिल्कुल तभी ये देखो, मैं तो छोटा सा कैटलिस्ट बन रहा हूं तुम्हारी सक्सेस में, पर वो अपने आप ही अरे एक्टिवेट कर रहा है। ठीक जी है थैंक यू सो चलो ठीक चलिए है हेमराज जी, फिर से जी, मिलेंगे। प्रणाम सर, दोबारा ओके मिलेंगे। और आज का जो बहुत सेशन है वो बहुत फ्रेंडली और ऐसा रहा जेस्चर वाला, वैसा हाँ, अरे नहीं रहा, नहीं मैंने बहुत कुछ बहुत देखा सीखने को, ऐसे ही होना चाहिए। बहुत। चलो चलिए थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो ठीक मच। है, बाय।